अस्सलामुअलैकुम। आज मैं करदी की वत्तलवा नन जानी हूँ, या तो सालन बोलते हैं इसको, लाल मसाले का पानी बोलते हैं इसको। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। करदी के वत्तल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने करदी ली हूँ, इसको काड़ भी बोलते हैं। ये सूखे हुए झींगे है, इसको मैंने ठंडे पानी में ऐसे भिगो दिया है आधा घंटा पहले। और यहाँ पर मैंने आधा प्याज ली हूँ, इसको इसका सालन बनता है, अच्छा टेस्टी लगता है ये सालन। आधा टमाटर ली हूँ, आधा प्याज ली हूँ मैंने, थोड़ी सी हरा धनिया ली हूँ, यहाँ पर कड़ी पत्ता है, एक चम्मच तेल है, एक कोकम है, एक बड़ा चम्मच मैंने कोकनी मसाला लिया है, हल्दी है थोड़ी सी चुटकी भर है, और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से मैंने आधा चम्मच ली हूँ, और पानी है। प्याज को हम बारीक कट करके लेंगे। जैसे इसको ये मुझे रिक्वेस्ट थी, काढ़ की वत्तल बताओ बोल के बना के, इसको अम्बाड़ भी बोलते हैं। इसको नमक डाल के हम चूर के लेंगे अच्छे से। बहुत टेस्टी लगती है, चावल के साथ में खाया जाता है इसको। प्याज को अच्छे से हाथ की मदद से इसको नरम करना है, साथ साथ हम टमाटर भी ऐड करेंगे इसमें। मैंने अच्छे से नरम करके लिया हूँ इसको, कड़ी पत्ता भी ऐड करूँगी इसमें, हल्दी डालूंगी, मसाला ऐड करेंगे हम इसमें, कोकम। कि मैं गए साल की ये कर दिए, इसको फ्रिज में रखने से अच्छी रहती है, और पहले सुखा के इसको अच्छे से इसको सब साफ करके इसको फ्रिज में अच्छे टाइट डब्बे में बंद करके रखना होता है। इसमें तेल ऐड करूँगी और अच्छे से इसको मिक्स करके लेना है हाथों की मदद से ही। इसमें मैं थोड़ा पानी ऐड करूँगी, आधा गिलास मैंने पानी ऐड किया है, और इसको अच्छे से पका के लेंगे हम इसको। अच्छा 15 मिनट अच्छे से हम बारीक आँच पे इसको पका के लेंगे। ये अच्छे से पक चुकी है, ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसकी। मैं इसमें हरा धनिया ऐड करती हूँ और सर्व करती हूँ। सिंपल सी रेसिपी है, अच्छी लगी यहाँ तक देखे होंगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, अच्छा लगता है। मैंने करदी का वत्तल सर्व की हूँ। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।